जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। अरे अरे, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ संजय दत्त की। जी हाँ, उनकी फिल्म खलनायक जो आई थी, इस मूवी को पूरे 30 साल हो चुके हैं और इस मूवी का जश्न जो है मनाया गया। जी हाँ, 30 साल कंप्लीट होने पे इस मूवी के एक्टर्स जो हैं और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो एक साथ जुटे और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और साथ के साथ इस 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया। देखिए इस वीडियो क्लिप में। और ये पिक्चर की बहुत खास मेमोरी है और बहुत प्यारी मेमोरी है। हमेशा पास कैसे हमें हमेशा एक खुशी होती है जब उनके साथ पार्ट करने की। लेकिन द मैडनेस वल्लू बल्लन का मैडनेस वो मैं नहीं था, वो तो बात की थी और यह मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड the crew and the audience, you know that they love Khalnayak. I think Jubalji will be better to explain. Yes, Jubalji. पहले तो सबको बाबू को सबको बहुत बहुत प्यार और Jubalji आपको हमेशा रिस्पेक्ट है बोलने की जरूरत नहीं। मामा के साथ बहुत सारा पिक्चर किया है हम लोग एक दूसरे के जैसे एक दूसरे को तक मेरा भाई बोल मैं उसका लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग हरा भी रहने का हम लोग बाकी ये सब और बॉस लोग राइटर बाबू हमारा ड्रेस था बादशाह रानी हमारा हमारा राइटर बाबू का मूवी बोला कि हाँ राइटर बोला हाँ दिक्कत तो हो गया बोला ना दिक्कत ही नहीं बाकी भी बोले नहीं बोलो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा मेमोरी है बहुत अच्छा लगा और थैंक यू फॉर आस्किंग। इसी में थीम बॉस मैन नायक नहीं इज इम्पोर्टेंट यूज नायक नहीं खलनायक हूँ। इसमें खुद एक दर्द है जो आदमी खुले आम हो सकता है जी आम है आप सोचिए कितना सहन होगा मेरे से तो पूरा गाना जब हम पिक्चराइज कर रहे थे उसका पूरा डिजाइन कैसे किया था कि कैसे इसको जिंदगी में आखिर होना था सब लगता है हल्का जी आएगा